हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बारे में। एंड गाइस, यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की तरफ से कुछ अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में गाइस, हम लोग बात करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए गाइस, यहां पे आईपीएल 2022 में क्या क्या अच्छा हुआ एंड गाइस, यहां पे आगे चल के बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है वो चीज़। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक देखने को मिल जाएगा। तो क्विक अपडेट आरसीबी की आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम बात करते हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बारे में। जो अच्छी न्यूज हम सभी को देखने को मिली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के टीम की तरफ से, जो एक सोर्सेस की तरफ से निकल कर आई है। तो गाइस, यहाँ पे आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा ट्विटर पे ट्वीट करे जाने वाली टीम में से एक यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम रही है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे ओनली ऑन गाइस पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का हिस्सा पे सबसे ज्यादा गाइस पे सर्च किया गया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को आईपीएल 2022 के पूरे सीजन में। तो गाइस, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरे नंबर की बात करें तो गाइस, दूसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग की टीम एंड तीसरे नंबर पे मुंबई इंडियंस की टीम रही है। जबकि अगर हम लोग बात करें तो गाइस, पे तीन गाइस जो टीमें हैं, तीन सबसे ज्यादा तगड़ी टीमें हैं। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम एक बार भी चैंपियन नहीं बन पाई है, लेकिन फैन फॉलोइंग के मामले में, फैन बेस के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम हमेशा नंबर वन पे हम सभी को नजर आई है। और गाइस, ये चीज इतना अच्छा लगता है देखने में कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की जो फैन फॉलोइंग है ना, वो हर साल यहाँ पे अप होता जाता है। इसको आप कभी भी यहाँ पे डाउन नहीं देखोगे, ये हर साल यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। तो ये भी ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को। और इसीलिए जब यहाँ पे एबी डिविलियर्स आरसीबी की टीम में थे तो हमेशा वो आरसीबी के फैंस का तारीफ करते थे एंड विराट कोहली भी करते थे। और इस साल का हिस्सा पे डेविड वार्नर ने भी स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि आरसीबी का जो फैन बेस है वो काफी ज्यादा खतरनाक फैन फॉलोइंग है आरसीबी की टीम की। अब गाइस, बात कर लेते गाइस पे खिलाड़ियों के बारे में। तो गाइस पे ट्विटर पे सबसे ज्यादा ट्वीट करे जाने वाली गाइस पे खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के किंग कोहली है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे सबसे ज्यादा गाइस यहाँ पे ट्वीट करे जाने वाले खिलाड़ी में से एक गाइस यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विराट कोहली रहे हैं। विराट कोहली आईपीएल 2022 में बिल्कुल भी हम सभी को चलते हुए नजर नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे विराट कोहली का जलवा चल ही रहा है। और आरसीबी के फैंस ओ कमाल ओ कर ही रहे हैं। और ये बात सबको पता है कि आरसीबी की फैन फॉलोइंग आज अगर यहाँ पर है तो किसकी वजह से, ओनली ऑन विराट कोहली की वजह से। तो गाइस, विराट कोहली की वजह से गाइस पे आरसीबी की टीम आज इस जगह पे मौजूद है फैन फॉलोइंग के मामले में। अब गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी खबर के बारे में, आरसीबी की अच्छी खबर के बारे में, जो कि आगे जाके आईपीएल 2022 में आरसीबी की टीम में काफी ज्यादा काम आने वाला है। वो है गाइस, यहाँ पे सबसे ज्यादा बात करते हैं राजत पाटीदार के बारे में। उसके बाद बात करते गाइस हम लोग यहाँ पे दिनेश कार्तिक के बारे में। उसके बाद बात करते गाइस हम लोग सहवास अहमद के बारे में। तो गाइस पे ये खिलाड़ी ना गाइस यहाँ पे आरसीबी के टीम में हम सभी को सहवास अहमद लगातार नजर आए हैं पिछले कुछ सालों से। एंड राजत पाटीदार लास्ट ईयर भी थे, लेकिन इस साल उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया है आरसीबी के टीम के लिए। एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी, अनकैप खिलाड़ी आके शतक मारे गाइस पे एलिमिनेटर में आरसीबी के टीम के लिए। एंड उसके बाद से गाइस पे इस खिलाड़ी का जलवा पूरी तरह से चल चुका है। हालांकि इस साल यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाई एंड, लेकिन गाइस पे ये जो चीजें हैं आगे जाके आरसीबी की टीम के लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है। उसके बाद सहवास अहमद के बारे में बात करें तो गाइस पे स्टार्टिंग से गाइस पे आरसीबी की टीम के लिए विकेट भी चटका रहे थे, साथ में गाइस पे रन भी बना रही थी आरसीबी के टीम के लिए। अब गाइस, बात कर लेते हम लोग यहाँ पे दिनेश कार्तिक के बारे में। एज अ फिनिशर आरसीबी के टीम ने ऑक्शन में बाय किया था दिनेश कार्तिक को, लेकिन सभी का कहना था कि दिनेश कार्तिक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर दिनेश कार्तिक ने बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड उसके बाद गाइस पे हर बार यहाँ पे आके आरसीबी के टीम के लिए खतरनाक फिनिशिंग देते हम सभी को नजर आए हैं दिनेश कार्तिक। और ये चीजें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है आगे चल के। लास्ट अगर हम लोग अगले साल की बात करें आईपीएल 2023 की, तो राजत पाटीदार आपको नजर आएंगे, दिनेश कार्तिक नजर आएंगे, सहवास अहमद नजर आएंगे। तो कैसे सारे के सारे खिलाड़ी आप सभी को आरसीबी की टीम में नजर आएंगे और हम लोग उम्मीद करेंगे कि और बेहतर करेंगे आईपीएल 2023 में आरसीबी की टीम के लिए। तो कैसे पे ये चीजें जो कि काफी ज्यादा काम आने वाले आरसीबी की टीम के लिए। और आईपीएल 2022 में नया नया सितारा मिला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को, तो ये काफी अच्छी बात है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।